साथियों नमस्कार यदि आपने अभी तक विनोवा जो ऐप है उसमें लॉगिन नहीं किए हैं उसमें पंजीयन नहीं किए हैं तो आइए किस प्रकार से आप पंजीयन करोगे आसानी से देख लेते हैं तो यहाँ जो एप्लीकेशन है विनोवा इसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टाल कर लेना है उसके जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा इस प्रकार से तो ओप जाएगा ठीक है अब उसके बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पर न्यू ईयर के लिए रजिस्टर का ऑप्शन है अर्थात आपने एक भी बार इस विनोवा ऐप का उपयोग नहीं किए इसे पंजीयन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करना होगा ठीक है और जब आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा तब आपको यहाँ पर साइन इन के माध्यम से साइन इन करना है ठीक है तो साइन इन जो है जिसका पंजीयन हो चुका है उसके लिए और जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं किया है रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करेंगे जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करें इस प्रकार से आप सब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आया है योर नेम तो आपके जो यू डी एस में भरे हो जानकारी उसके अनुसार से आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर ई मेल आर्य मोबाइल नंबर दिया है तो आपका जो शासकीय कार्यो में जो उपयोग होता है मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करना ठीक है जो आपने यू डी एस में उपयोग किया है या अन्य कार्य में जो शासकीय कार्यों में आप उपयोग करते हैं वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर उपयोग करना है और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड है लिखे इसमें क्लिक करेंगे अब उसके बाद आपको इस प्रकार से पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर आपको आप छः सात अंगों का जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप पासवर्ड बना लेंगे और सेम पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है अब उसके नीचे हम जो स्कूल लिखा है यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख करके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसको नाम लिख करके या फिर डायरेक्ट डैश कोड डाल करके जैसे कि यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो या फिर इस प्रकार से डैश कोड डाल करके भी आप अपने स्कूल का नाम ढूंढ सकते हो यहाँ पर जो आएगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और एक्टिवेट अकाउंट में क्लिक करना है ठीक है साथियों इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको नजर आएगा अब यहाँ पर देखेंगे इंट्रक्शन दिया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है टर्म एंड का कंडीशन को और यहाँ पर जो आई एक्सेप्ट है इसमें आपको क्लिक करना है ठीक है साथियों यदि एक बार में आपका एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दो तीन बार प्रयास करेंगे हो जाएगा जैसे हम इसमें सफ्टेम क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके जो पंजीयन मोबाइल नंबर इसमें ओ भेजा गया है ओ टी जनरेटेड ठीक है आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उसमें यहाँ पर ओ जाएगा उसको यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे और यदि ओ टी नहीं जाता है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नी ओ टी पी पर दिया है पुनः आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ओ भेजा जाएगा भेजा हमने सबने यहाँ पर ओ भर लिया है अब यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक कर देते हैं अब आप किस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पर ध्यान देंगे इस प्रकार से एक से लेकर के आठ तक का क्लास दिया हुआ है आप जो क्लास स्टडी कराते हो उसको यहाँ पर चुन लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है किस किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो उसको चेंज कर लेंगे और यहाँ पर जो पीक और डिफॉल्ट लैंग्वेज है अर्थात आपका जो एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में आप पढ़ाना चाहते हैं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं सारे जानकारी या इंग्लिश में ठीक है यहाँ पर हम अपने अनुसार से जो भी आपको अच्छा लगता है कर लेंगे मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लास को चैन कर लिया है अब सब्जेक्ट चेंज कर लिया है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को चेंज कर लिया है यहाँ पर हम शो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश आ चुका है इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो सेव दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा देखिए फिर सेटिंग सेव्ड सक्सेसफुली हम यहाँ पर लॉग हो चुके हैं अब आपको दो तो प्रकार की जानकारी आएगी अब देखिए साथ इस प्रकार से मेरी माया है योर टीचर स्टेटस नीड वेरीफिकेशन क्लिक हीयर ठीक है हम जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब है हमारा जो टीचर स्टेटस है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ठीक है किसी के में हो जाता है किसी के में नहीं होता है अगर आपसे भी इस प्रकार से आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक की जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जो स्कूल जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस प्रकार से जानकारी आएगा और आपको मदद चाहिए तो आपके जो संकुल है तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे आप जो है अपनी सी या फिर ब्लॉक लेवल से कॉन्टेक्ट करेंगे उस नंबर में आप हेल्प जो हेल्प डेस्क का नंबर है उसमें आप अपना नाम है अपना पद है स्कूल का नाम है डाइस कोड है मोबाइल नंबर है जीमेल है ये सारा लिख करके आपको वेरिफिकेशन के लिए सेंड के सेंड करना होगा फिर आपको वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा अब देखिए जैसे हमारा वेरीफिकेशन होगा इस प्रकार से ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर जो सारा चीज़ दी है उसको हम समझ लेते हैं पहला तो यहाँ पर जो दिया ये आपका प्रोफाइल है ठीक है साथियों ये है सेटिंग है यहाँ पर जो एट टीचर स्टोरी है अर्थात इसमें यदि आप जो है अपना पोस्ट जिस प्रकार से फेसबुक में आप मैसेज करते हैं शेयर करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं आपकी आपकी लेसन प्लान है आपकी टीचिंग आइडिया है इसको इसमें आप दे सकते हैं और यहाँ पर जो है पी ओ एम अर्थात पोस्ट ऑफ मंथ अर्थात उस महीना का जो मंथ का जो स्पेशल पोस्ट है उसको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये जो आइकन है यहाँ पर हेल्प है ठीक है जो कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर हेल्प बन जाएंगे उसके बाद किस प्रकार का आपकी समस्या सारा समस्या आपको निकल के सामने आएगा उसे संबंधित पी या ऑडियो आपको मिल जाएगा इस वाले आप जो सबसे लास्ट में जो एरो का निशान है इसमें क्लिक करने पर आप सीधा लागत हो जाएंगे अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया देखिए यहाँ पर गरियाबंद हमारे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है तो टीम विनोवा तो हमारा जो गरियाबंद जिला का जो टीम है इससे यदि आप जुड़ना चाहते तो यहाँ पर कनेक्ट है ठीक हाँ है यहाँ पर कनेक्ट हम जैसे क्लिक करें जैसे वहाँ पर कनेक्ट हम क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो गरिया डिस्ट्रिक्ट टीम विनोवा है इसमें प्रकार से आया है हम यहाँ पर कनेक्ट जो लिखा है जो सत्रह लोग यहाँ पर जवाब मैसेज आया है हम यहाँ पर कनेक्ट हमें क्लिक करेंगे अब आप किस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा और यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं नोट आप यहाँ पर करना चाहते हैं यहाँ पर नोट टू गरिया वन जिस प्रकार से दिया है यहाँ पर आप चाहे तो कुछ मैसेज टाइप कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर बैग दिया है या फिर येलो के निशान से आप बैग कर सकते हैं आप चाहते हैं यहाँ पर सर्च टीचर का ऑप्शन है इससे आपके ज़िले में जो भी टीचर ने पंजीयन किया है उसको आप यहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं इसमें ऐसे टीचर जिन्होंने अभी पंजीयन कर लिया है उसको आप सर्च कर पाएंगे ऐसे टीचर जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है उसको आप सर्च नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो टीचर को हमने सर्च किया था उसका जानकारी इस प्रकार से आ चुका है अब यहाँ पर चाहे तो आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉलो उसको कर सकते हैं कनेक्ट होना तो कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए फॉलो यूजर्स सक्सेसफुली अर्थात अच्छा हमने जो फॉलो किया था वो फॉलो हो चुका है आप चाहे तो इसको अनफॉलो भी कर सकते हैं अब उसी प्रकार से नीति जो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे टी इसका उपयोग आप किस प्रकार से करेंगे जो क्लास सेलेक्ट किए थे यहाँ पर हम जो जो क्लास सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आ चुका है ठीक है और उसके यहाँ पर यूरो के निशान हम क्लिक करेंगे तब आपको उससे संबंधित जो भी लेसन प्लान बना है पूरा वो यहाँ पर लेसन के अनुसार से यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा लेसन कितने दिनों में आप रख सकते हैं उसके लिए क्या लेसन प्लान है ठीक है यहाँ पर पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर क्लिक किया रहे इसमें आप क्लिक करेंगे तो उसको आप व्यू कर सकते हैं उस प्रकार से हम इसको देखेंगे इस प्रकार से नीचे देखेंगे यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कितने पीरियड होगा कितना लेसन होगा ये सारा जानकारी आपको यहाँ पर दिया हुआ है बैक कर लेते हैं यदि आप कोई भी और विषय जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्लास सेलेक्ट करेंगे विषय सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करेंगे और सबसे लास्ट में जो फॉलो आ रहा है इस फॉलो में हम क्लिक करेंगे तो इसको आप फिर एड कर पाएंगे ठीक है यदि आप प्रोफाइल पिक्चर अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें प्रोफाइल हेयर इस प्रकार योर प्रोफाइल लिखा है हम यहाँ पर हीयर में क्लिक करेंगे आप प्रोफाइल में फ़ोटो डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर एडिट प्रोफाइल है या फिर गोल आइकन बनाए इसमें हम जो क्लिक करेंगे पेंसिल में हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा हमारा फोटो चैन कर लेंगे साइज बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर डन करेंगे देखिए यहाँ पर हंड्रेड तो परसेंट सक्सेसफुल हो चुका है हमारा प्रोफाइल पीछे प्रकार से सेट हो जाएगा ठीक है साथियों तो इस प्रकार से आप जो विनोब ऐप में लॉग इन कर सकते हैं पंजीयन कर सकते हैं और उसकी जानकारी इस प्रकार से पूरा देख सकते हैं